जी हाँ, माहौल है जश्न मनाने का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सदर एफसी ने यहाँ पे जीत लिया है गुवाहाटी सी डिविजन लीग। एक ऐसा टूर्नामेंट जहाँ पे एक तरफा से नॉर्थ ईस्ट सदर एफसी का ही दबदबा था। जी हाँ, इस टूर्नामेंट में हमें नॉर्थ ईस्ट सदर एफसी और इस लीग के बाकी टीमों के क्वालिटी के बीच में जमीन और आसमान का फासला देखने को मिले। तो गाइस, काफी जबरदस्त जीत है ये। एंड यस, अगर आप रिसेंट कुछ सीजन की बात करें तो पिछले सीजन क्लब को बैक टू बैक फेलियर मिले थे। बहुत लोग यहाँ पे कह रहे थे नॉर्थ ईस्ट सदर एफसी तबाह हो चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट सदर एफसी कमबैक नहीं कर सकते, नॉर्थ ईस्ट सदर एफसी क्वालिटी प्लेयर साइन नहीं करते। तो गाइस, उन लोगों के लिए ये जीत एक बढ़िया जवाब है। जी हाँ दोस्तों, हाइलैंडर्स आर राइजिंग फ्रॉम द फॉल, हाइलैंडर्स आर इन्वेस्टिंग इन यूथ एंड दे आर बिल्डिंग ए गुड स्क्वाड। इसीलिए गाइस, हमें पिछले कुछ समय से नॉर्थ ईस्ट सदर एफसी के रिजर्व टीम को काफी मैचों में देखने को मिल रहे हैं। टीम ने दिमा हसाओ में कुछ फ्रेंडलीज खेले, फिर बोर्दलोई ट्रॉफी में भी टीम मौजूद थे, और अब जाके फाइनली हाइलैंडर्स बिकेम द चैंपियन ऑफ गुवाहाटी सी डिविजन लीग। तो गाइस, बहुत ही बेहतरीन जीत है ये, और टीम के हर एक मेंबर को इस जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब अपडेट है दुरान कप से, और गाइस दुरान कप के सभी ग्रुप्स ऑलमोस्ट यहाँ पे रिलीज हो चुके हैं। खास करके यहाँ पे अगर हम नॉर्थ ईस्ट सदर एफसी की बात करें तो हाइलैंडर्स को दुरान कप की ग्रुप डी में अलॉट किया गया है। ग्रुप डी में नॉर्थ ईस्ट सदर एफसी के साथ केरला ब्लास्टर्स, ओडिशा एफसी, सुदेव दिल्ली जैसे क्लब्स भी मौजूद होंगे। इन सभी प्रोफेशनल क्लबों के साथ साथ आर्मी ग्रीन के फुटबॉल टीम भी ग्रुप डी में मौजूद है। तो गाइस, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल ग्रुप है ये, और इस ग्रुप की सभी मैचेस टीमों के लिए आसान नहीं रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट सदर एफसी की अगर आप बात करें तो यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स और ओडिशा एफसी के खिलाफ टीम को खेलना होगा। सुदेव दिल्ली भी इन आईएसएल क्लबों को कड़ी टक्कर देंगे। सो गाइस, एट द एंड ऑफ द डे ये देखना दिलचस्प होगा हाइलैंडर्स के मैनेजमेंट इस टूर्नामेंट को किस रिहाज से देखते हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट एफसी अपने रिजर्व टीम को दुरान कप के लिए भेजेंगे, और इट विल बी ए मिक्स स्क्वाड फ्रॉम द हाइलैंडर्स साइड, ये भी देखने लायक होगा।